है। अगर 3 साल लगातार बारिश होती है तो बारिश होती चली जाती है, अगर सूखा पड़ता है तो हर साल सूखा पड़ता चला जाता है, और ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो बैंक का कर्जदार न हो। हर साल वहाँ पर किसान 5 से 6 किसान हर साल आत्मदाह कर लेते हैं क्योंकि वो बैंक का कर्ज पूरा नहीं कर पाते हैं। और मैं एक जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, आप समझ सकते हैं कि एक महिला होना, महिला को समाज से निकलना और एक मूवमेंट में काम करना सबसे बड़ी चुनौती है, और दूसरी चुनौती तो आप समझते होंगे दलित होना, वो सबसे खतरनाक चुनौती होती है जो आप अच्छे से समझते होंगे। मेरे ख्याल से मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैंने भोगा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है कि एक दलित होना कितना बड़ा गुनाह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझती थी कि एक गुनाह है, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि दलित होना गुनाह मत मानिएगा, दलित होना स्वाभिमान मानिएगा, और जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने नाम रोशन किया इस तरीके से आप भी अपना नाम रोशन करें। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि हम लोग सुबह खा लेते थे तो शाम के लिए वेट करते थे कि आखिर में हमें शाम के क्या खाना है। मेरे पापा बहुत गरीब होते थे और कई बार ये होता था कि मेरी मम्मी जो आटा का ऊपर का जो छालने वाला बचता है, जो छन्नी से छालते हैं, वो बचता था। तो जब हमारे घर में आटा नहीं होता था, नमक भी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो मेरी मम्मी उसी आटे में हल्का सा वो कभी नमक या कभी भाजी कभी साग खेतों से, मतलब ये मान के चलो कि 4 साल जब 4 महीने जब बरसात होती थी तो हम खेतों का साग ही खा के गुजारा करते थे। तो मैं उस परिवार से निकल के आई हूँ और पढ़ाई का तो कोई नाम निशान नहीं था, और मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो मैं पढ़ लिख के आगे निकली। जब मैं पहले स्कूल के लिए जाती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ में क्रिएट हुई, बहुत सारी दिक्कत हुई। मेरे घर वालों ने शुरुआत की, मेरे परिवार वालों ने शुरुआत की, मेरे रिश्तेदारों ने, और गली मोहल्ला तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आतंक हो जाता है एक अगर समाज से लड़की अगर निकल कर स्कूल के लिए जाती है। तो वो मैंने सारा कुछ भोगा। पढ़ने में थोड़ा ठीक थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब बहुत टॉप की हूँ, गाँव की पढ़ाई तो आप समझ सकते हो कि कैसी होती है, ठीक थी, लेकिन एक लगन था कि मुझे कुछ बनना है। मैं अपने गांव में जब देखती थी कि महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, मेरी खुद की माँ के साथ में अत्याचार होता है, मेरी ताई के साथ में अत्याचार होता है, मेरी दादी के साथ में अत्याचार होता है, मेरे अगल बगल की महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, अगर नमक सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो उस चीज़ को लेकर मारपीट हो गई, अगर घूंघट ऊपर से हो गया उस चीज़ को लेकर के मारपीट हो गई, तो मुझे लगता था मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बहुत बार तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं को ये भी पता नहीं होता था क्योंकि उनकी खुद की खेती नहीं होती थी, खुद की ज़मीन नहीं होती थी, मजदूरी दूसरों के यहाँ पर करने जाती थी, तो उनको खुद नहीं पता होता था कि ये बेटा मेरे पति का है या किसी और का है, ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो मेरे हमने ये सारी चीज़ें देखी और मेरे परिवार से, मेरे खानदान से, मेरे ताऊ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक प्रथा चलती थी जब मैं पैदा हुई हूँ उसी समय जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ है उसी समय ये प्रथा बंद हुई थी। हमारे गांव में एक 52 गांव के मुखिया होते थे, कोई भी महिला उस समय तो 12-12, 13-13 साल की शादी हो जाती थी, कोई भी बच्चे की अगर शादी होके आती थी तो पहले उस मुखिया के यहाँ पर उससे भेजा जाता था, अगर उस मुखिया को अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन लड़की और भी ज़्यादा पसंद आ गई तो वो 10 दिन भी उसको अपने साथ में रखता था, और वो अपने साथ में ही रख के अब आप समझ सकते कि उसके साथ में क्या क्या अत्याचार होता होगा। मेरे ताऊ ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया और वो मेरे ख्याल से फूलन देवी के ग्रुप में जाके शामिल हो गए, और उन्होंने भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी। तो मेरे लिए तो मैं आपको बिलीव नहीं करूँगी, मेरे लिए तो गुरु भी हैं, मेरे लिए तो भगवान भी, और मेरे लिए प्रेरणादायक भी बाबा साहब तो हैं, लेकिन फूलन देवी उससे वो भी बेहतर। स्कूल से जाती थी तो बहुत सारे लड़के छेड़ते थे, अब छेड़ते इसलिए थे कि भाई एक दलित लड़की है वो भी स्कूल के लिए जा रही है, दबती किसी से भी नहीं है, और मैं सच में बड़ी बदतमीज थी, मतलब और कहीं ना कहीं से मुझे समाज ने ही बदतमीज बनाया था। मैं एक नॉर्मल घर की, गरीब घर की लड़की थी, कोई जब छेड़ता था कोई बोलता था तो कितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, एक हद तक बर्दाश्त करती थी। जैसे लड़के मुझे देख करके सीटी मारते थे स्कूल में, मैं उनके सामने खड़े होकर डबल सीटी मारती थी, आ जाओ बेटा मैं तुम्हारे पास। और घर पर हमेशा शिकायत आती थी कि आपकी
सटर तैयार रखता था और जैसे मैं घर में आती थी, जिस दिन 15 करके आती थी, मारपीट बहुत ज़्यादा मैं लड़कों के साथ करती थी और मेरा भाई जो है ना सटर से मुझे मारना शुरू कर देता था। 4-4 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी क्योंकि उसको ये डर लगता था कि कहीं लड़कों के साथ मारपीट करके आती है, कहीं इसके साथ में कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए, कहीं इसका मर्डर ना हो जाए। बहुत बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ में, हादसा होने की कई बार कोशिश हुई। एक बार एक लड़के ने मुझे छेड़ा और बाइक में था, उसने कहा आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और मैं तो थी बदतमीज। मैंने कहा बेटा आज तो तुझे बता के रहूँगी, रोज रोज का तमाशा तुम लोगों का ठीक नहीं है। और मैं गई और मैंने उसके कमर में हाथ डाला और बाइक एक हाथ में कमर डाला, एक से मैंने बाइक पकड़ी। मैंने कहा बेटा तू लेके चल मुझे जहाँ लेके जाएगा। तो लड़का डर गया, कहने मैंने तुझे नहीं बोला। मैंने कहा मुझे पता है तूने मुझे बोला, आज मैं बेटा तेरे साथ ही जाऊँगी, आज कहाँ लेके जाएगा। वो लड़का घबरा गया। इतने में हमारे आस पास की और लड़कियाँ थी, कुछ जो साथी मेरे जो हम लोगों ने टीम बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत कम एज में मैंने दलित क्रांतिकारी सेना बना लिया था। जब मैंने हाई स्कूल भी नहीं कर पाई थी तब मैंने एक दलित क्रांतिकारी सेना का एक संगठन बनाया था। पूरे जिले में मैं चलाती थी उस संगठन को और मैं उस लड़के के पीछे पड़ गई, आज तो मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। वो लड़का माना नहीं, लड़का डर गया और मैंने उसको ऐसा मारा, मेरे साथ साथ कई सारी लड़कियों ने उसको मारा इतनी बुरी तरीके से। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैंने तो 2-4 ही मारी है लेकिन लड़कियों ने उसको भूसा बना दिया था। ये पहली आवाज उठी थी मतलब मेरे कस्बे से। और एक बार मेरे प्रिंसिपल साहब जब यहाँ पर आए, दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में आए, तो रो के बता रहे थे कि बिटिया जिस दिन से तूने वो कांड किया आज उस दिन से लेके आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा नहीं। तो मैंने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने पर्दा प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब गाँव से निकली तो मेरे साथ में कई सारी लड़कियाँ जो स्कूल आज जा रही हैं, आज पूरा का पूरा गांव की बच्चियाँ स्कूल जाती है, कदौरा जो 8 किलोमीटर दूर पे पड़ता है सारी बच्चियाँ स्कूल के लिए जा रही हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी गरीबी हालत में मैंने स्वयं सहायता समूह का काम करती थी, गाँव में जाती थी, संगठन बनाती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जागरूक करने का एक नतीजा ये भी रहा कि जब उनको समझाती थी कि ये हमारे साथ में ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है, तो एक महिला के साथ में एक खेत में एक हाई कास्ट के बंदे ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, तो वो आप बिलीव कर सकते हो वो कहीं ना कहीं से वो आग महिला के अंदर जो मैंने भरी थी उसने हसिया से ही उसके बॉडी के पार्ट कर दिया की। और वो बंदा कम से कम 3-4 महीने हॉस्पिटल रहा, आज तक भी वो संतुलन नहीं उसका ठीक से, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही खत्म हो चुका है। तो मैंने स्वयं सहायता समूह का काम किया, LIC का काम किया, सहारा का काम किया। और मैं स्कूल से निकलती थी, स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं हर दुकान जा जा कर कहीं से 5 रुपये, कहीं से 10 रुपये, कहीं से 20 रुपये लेकर कलेक्शन करती थी और जो कमीशन मिलता था मैं उस कमीशन से मैं खुद पढ़ाई करती थी, अपने भाइयों को पढ़ाई कराती थी और अपने घर का गुजारा भी करती थी। घर वालों ने बहुत रोका लेकिन मैंने कहा मैं रुकूँगी नहीं। और मैं आपको एक दो चीज़ों का नतीजा बताना चाहती हूँ कि मैंने राजनीति क्षेत्र में क्यों कदम रखा। मेरे साथ में मेरे एक रिश्तेदार हमारे घर में रहते, घर में आए थे, तो 8-10 दिन से लगातार हमारे घर में रहते थे। शशि जी ने कहा कि 80% केसेस जो महिलाओं के साथ में घटते हैं या बच्चियों के साथ में घटते हैं, लड़कियों की बात नहीं करते, लड़कों के साथ भी घटते हैं, वो उनके परिवार के रिश्तेदार के आस पास के लोग होते हैं जो बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो मैं छोटी थी, छठवीं सातवीं क्लास में थी, इतना मुझे समझ में आने लगा था अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी मम्मी आप ना इसको घर से बाहर इसको हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये आदमी, आप इसको बोलो कि ये यहाँ से जाए। तो मम्मी बोलते थे नहीं नहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें चूल्हे में 4-5 रोटी और इसको बनानी पड़ती है इसलिए तुम ऐसा बोलती हो। और एक दिन नतीजा ये हुआ कि मैं सो रही थी और सारे लोग एक साथ में सो रहे थे, मैं किनारे में सो रही थी, वो बंदा मेरे पास आया, मुझे बुरी तरीके से चपेट लिया, मेरे मुंह से मुंह लगाया हुआ था और मैं चिल्लाने लगी और मैंने अपनी माँ से बोला कि ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी माँ ने बोला कि अपनी आवाज़ यहीं दबा दें। ये हकीकत है और ये ऐसा होता है कि अगर लड़की आवाज़ उठाएगी या हमने अपनी लड़की की आवाज़ उठाई तो हो सकता है कि इसका रिश्ता ना हो, इसकी शादी ना हो। और मैंने पूरी कोशिश की थी मम्मी बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके साथ में ऐसा होना चाहिए, क्यों कोर्ट कचहरी मुझे पता नहीं था।
बोला माँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं तो हंगामा मचाऊंगी पूरे गांव में, तो मेरी माँ ने बोला आप बात बंद कर देंगे, नहीं तो हम इनके यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, हमारी मजदूरी नहीं होगी, कल के लिए तेरा रिश्ता नहीं होगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तेरे माँ बाप तेरे भाई और बाप को मार दिया जाएगा जान से। तो बिलीव नहीं करो कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि 7-8 महीने बाद एक बार मेरी माँ ने मेरे से कुछ बोला कि मैंने अपने माँ के ऊपर अटैक कर दिया और पूरी तरीके से मैंने माँ को मारा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे उदास हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनके साथ में कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं से माँ बाप भी उसको जिम्मेदार होते हैं। माँ बाप खुल के बात नहीं करते बच्चे से, स्कूलों में देखा होगा आपने, अपने घर परिवार में देखा होगा, अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा सही से, अगर बच्चा टेंशन में है, बात नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उससे खुल के बात करें और उनसे एक तरीके से दोस्ती जैसा रिश्ता कायम करें कि अगर तो आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई आपको अकेले जगह में अगर आपको लेके जाता है तो आपको उस बात को अपने माँ बाप को बताना है। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों से रिश्ता बहुत दूर बना लेते हैं। और दूसरी चीज़, हरेसमेंट की भी बात आ रही थी, शशि जी ने बताया कि बहुत सारे बच्चों को साथ में हरेसमेंट होता है और ये हकीकत बात है। मैंने कमीशन में रह करके मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब बच्ची अपनी आवाज़ उठाती है तो उसके हमेशा आवाज़ को दबाया जाता है। अगर बच्ची नहीं मानती है तो आसपास के लोग बोलते हैं कि आप इस आवाज़ को बंद कर दो, नहीं आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपको यहाँ से काम से निकाल दिया जाएगा या स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और बच्ची हमेशा से सकती रहती है, अगर केस कमीशन में डालती है तो मैंने देखा है कि 99% केसों में बच्ची को कभी न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि उनके खुद के डिपार्टमेंट वाले उसी का सपोर्ट करते हैं जो उसके सामने गलत करता है। और ये बात हकीकत है, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप होता है दिल्ली जैसी जगह पर, लड़की के साथ में एक बार रेप होता है लेकिन समाज उसका बार बार रेप करता है। और ये बात हकीकत है, जब वो कोर्ट में जाती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कहाँ पर हाथ रखा गया था, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर थे, तुम किस स्थिति में थी, और बार 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 उसका कोर्ट क्या अंदर रेप होता है। बाद की लड़की खुद बोलती है कि मुझे केस लड़ना ही नहीं है, मैं अपना केस को वापस ले रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए न्याय, और वो लड़की अपना केस खुद ही वापस ले लेती है, वो लड़की अपना केस नहीं लड़ती है, मना कर देती है कि मुझे ये केस नहीं लड़ना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक 8 महीने की बच्ची थी दिल्ली में, 7-8 महीने पहले की बात है, 8 महीने की बच्ची जो माँ नहीं बोल सकती, बाप पापा नहीं बोल सकती, उस बच्चे के सगे ताऊ के बेटे ने उसको गोद में लिया और गोद में लेकर के छत के ऊपर लेके चला गया। सबको लगा कि भाई खिलाने गया भाई, ये तो खिला ही रहा होगा बच्ची को, और छत के ऊपर लेके गया, जिसकी उम्र 35 से 36 साल की थी और बच्ची की उम्र 8 महीने की थी, और उस आदमी के खुद के बच्चे 12-12, 13-13 साल के थे। उस आदमी ने बच्ची के साथ में रेप किया और वो बच्ची का पूरा शरीर खत्म हो गया, बच्ची 4-5 महीने हॉस्पिटल के अंदर रही और बच्ची लास्ट में मर गई। ये परिवार की घटना बता रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आदेश आ गया है कि मैं अपने शब्दों को थोड़ा कम उसमें रखूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में लोग कहते हैं कि महिलाओं ने तरक्की की है, अच्छी बात है और तरक्की करना चाहिए, और हर क्षेत्र में कहते हैं कि इस एनजीओ ने महिलाओं के लिए किया, ये किया, ये किया, रिजर्वेशन ये मिला है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो किसी भी धर्म की हो या किसी भी जाति की हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, अगर आज हम जिस अगर आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है जो मैं यहाँ पर आज बोल रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन महिलाओं को बराबर का होना चाहिए, लेकिन कितनी पार्टी है जो अपने पार्टी के अंदर जब टिकट की बात आती है तो अगर 200 सीट अगर होती है तो उसमें से 2-4 महिलाओं को ही टिकट दिया जाता है। आज कितनी महिलाएं पार्लियामेंट की हैं, मेरे ख्याल से जिस दिन 50% महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई तो महिला सशक्तिकरण खुद ही अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर जगह पर जरूरत महिलाओं को आने जाने की। और मैं
अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बात आ गई तो मैं बता रही हूँ कि मैं 2012 में MLA का चुनाव लड़ी, 2014 में मैं MP का चुनाव लड़ी बिजनौर से, नगीना सुरक्षित सीट से और नैडोर सुरक्षित सीट से मैं 2012 में चुनाव लड़ी। जब मैं चुनाव लड़ती थी, आंदोलन करती थी, कई कई महीने में जेल के अंदर लेके आई। एक बार परियार जी का आंदोलन कर रही थी तो उसमें बहुत सारे अधिकारियों ने मुझे काफ़ी हाथापाई हुई, मैंने भी हाथ उठाया अधिकारियों के ऊपर और मुझे लेडीज पुलिस की जगह जेंट्स पुलिस ने मारा और इतना मारा कि मरा हुआ मुझे छोड़ के आ गए। मैं दो दो तीन तीन महीने तक आंदोलन को लेकर के जेल में रहती रही। लेकिन जब मैं 2012 का चुनाव लड़ी, सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ की बात ये थी कि जब मैं 2012 में MLA का चुनाव लड़ी और जब दो दिन रह गए चुनाव के, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एक चमारी को तुम मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया, वो आज हमारे ऊपर जूता मारी, और अगर दूसरी को बना दे ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो हमसे और भी ज़्यादा जूते मारेगी, इसलिए इसको हरा दो। ये हकीकत है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, और अपने घर की बहन बेटी जो घरों के अंदर है उनको भी आगे लेके आइए। आप ये मत सोचिए कि हम पुरुष हैं। आज दिल्ली में कहीं पर भी आप जाइए, महिला सुरक्षित नहीं है। आज आप दिल्ली के किसी भी कोने पे जाइए, आज अनलीगल शराब बेची जाती है। हम दो तीन साल पहले बहुत जगह जगह विजिट करते थे, घर घर में शराब बेची जाती है और लोग शराब पी के, आपने देखा होगा कि जितने भी अनलीगल जगह से शराब लेते हैं वो कोई और नहीं होता है। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग ही होते हैं जो उस शराब को लेते हैं और पीते हैं और घर के अंदर महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा करते हैं, उनको खाने को नहीं देते हैं, खाने के बाद छोड़ दो बच्चों के स्कूल तक नहीं जाने देते हैं। तो इस चीज़ को परिवर्तन करने की हमारी आपका हमारा आपका कर्तव्य है। देखिए, जानवर भी अच्छे से पेट पाल लेता है, अपना भी पेट पालता है, अपने बच्चों का भी पेट पालता है। हम इंसान अगर हम पढ़ लिख करके इस मुकाम तक पहुँच गए तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारा कहीं ना कहीं से जो हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, हम उसको सही दिशा में कैसे लेके आए, ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमें उनको सही दिशा में लेके आना भी पड़ेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी, लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि राजनीति से यूथ बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, गांधी जी पैदा हो, अम्बेडकर जी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में पैदा हो, वह झलकारी भाई पैदा हो और अन्य महिलाएं पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में। लेकिन जब तक आपने ये सोच नहीं बनाई कि मेरे घर में जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक सर समाज का भला नहीं होगा। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को राजनीति में, सामाजिक काम में तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जब तक आपके जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो आपको पता है इस देश की हालत क्या है, मर्डर करा करके लोग सत्ता में पहुँच जाते हैं, दलितों का गला काट करके लोग सत्ता में पहुँच जाते हैं, कश्मीर मुद्दा, कभी पाकिस्तान मुद्दा, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर जा करके लोग सत्ता में बैठते हैं और अच्छी जीतों से जा करके आज देश को चला रहे हैं। ऐसा देश हमें नहीं चलाना, ऐसे हमें देश की ज़रूरत नहीं, हमें आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है जो जाके अगर सत्ता में बैठेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। इन्हीं सबके साथ मैं जिन चिरागों में कस्बों में धुआं होता हो, उन चिरागों को बुझा दो तो अच्छा होगा। अगर बढ़ते हुए कदम मंजिल की ओर जा रहे हो, उनको मंजिल दिखा दो तो अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।